लोग हमेशा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हम लोगों का आवाज़ जो है मजबूती से आप लोग उठाते हैं। मैं आप सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार और जोहार करता हूँ। प्रोफेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने प्रेसवार्ता का आयोजन कर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा ना करना या कांग्रेस के विधानसभा चुनाव की कमजोर तैयारी को दर्शाती है, जबकि रांची विधानसभा सीट काफी मजबूत है। इस दौरान आदित्य विक्रम जायसवाल ने कई सवाल कांग्रेस नेतृत्व में भी किया। उन्होंने कहा कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न संगठनों के साथ विचार विमर्श कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लोग हमेशा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हम लोगों का आवाज़ जो है मजबूती से आप लोग उठाते हैं। मैं आप सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार और जोहार करता हूँ। देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस से हम सब जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं उनसे जवाब मांगते हैं। रांची सीट की बाद में बात करते हैं, लेकिन हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी जो कि हमारे प्रगतिशील और विकासशील और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं उनके लिए हमेशा से हम लोग समर्पित हैं और आगे भी समर्पित रहेंगे। ऐसा कोई काम हम सब मिलकर नहीं करेंगे कि तानाशाह भाजपा के जो भी नीति है उसको रोकने में हम लोग विफल हों। वैश्य समाज की अगर बात करें, राहुल जी ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आज 45 से 50 प्रतिशत वैश्य समाज के लोग पूरे प्रदेश में हैं। मैं प्रदेश नेतृत्व से यही जवाब मांगना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से, कि कितने वैश्य समाज के लोगों को आप लोगों ने लीड करने के लिए टिकट दिया। उसी तरीके से अगर शेड्यूल कास्ट सीट्स की अगर बात करें, 9 में से अभी तक हम लोग एक सीट में लड़ रहे हैं और एक मिलने की संभावना है। तो जब प्रदेश नेतृत्व राहुल जी की ही बात नहीं मान रहा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो इस पे आगे प्रदेश नेतृत्व से हम लोग सब मिलकर जवाब मांगते हैं। प्रदेश नेतृत्व अपने, और मैं उसको स्पेसिफिक करता हूं, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अपने विवेक से क्यों नहीं कुछ भी निर्णय लेते हैं? आप किसी के कहने पर निर्णय ले रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं का सम्मान का ठेस पहुंच रहा है। रांची सीट की अगर बात करें हम लोग, आज लगातार 10 वर्षों से कार्यकर्ता समर्पित होकर काम कर रहा है, भाजपा की तानाशाही नीतियों को रोकने का काम कर रहा है। राहुल गांधी की जितनी भी नीतियां हैं या आने वाले जो भी योजना है या मैनिफेस्टो में राहुल जी ने जो भी प्रॉमिस किया है उसको घर घर जाके हम लोग मजबूती से, जितने भी कार्यकर्ता हैं उसको मजबूती से घर घर हम लोगों ने पहुंचाया है। पूर्व से अगर, पिछले 10 वर्षों से अगर बात करें, माननीय आरपीएन सिंह जी जो प्रभारी थे वो कहते थे आप लोग इस तरीके से करिएगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, रांची सीट मिलेगा। एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का सम्मानित ढंग से मजबूती से भाजपा को रोकने में सफल रहा है और भाजपा के नीतियों को, जो भी तानाशाही नीति भाजपा का है, एक एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता अपना तन मन धन लगाकर कांग्रेस के लिए हमेशा से खड़ा रहा है। लेकिन अंत में क्या मिलता है? हम लोगों को कल तक कहा गया कि रांची सीट में क्लैरिटी नहीं है, तो ये डार्क में रखा जा रहा है, अंधेरा में रखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इस पे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय विधायक दल के नेता हमारे डॉक्टर रामेश्वर उराव जी जवाब दें। हम लोग उनसे जवाब मांगते हैं कि ऐसा स्थिति में आप लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान का ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? किसी की व्यक्तिगत सोच और निजी स्वार्थ संगठन का हित नहीं हो सकता है, और बड़े बड़े जो शीर्ष नेता है वो अपनी निजी सोच से कार्यकर्ताओं का सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं उनसे जवाब मांगता हूं
मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से जवाब मांगता हूं कि वो जवाब दे जो आप लोग हम लोगों को अंधेरा में रखे हैं। लगातार विगत 5 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, सीधे बोल दिया जाता हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन हम लोग विफल हो गए। कांग्रेस पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 134-135 भाजपा के बाद, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 135 वर्षों की पार्टी है। अगर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए अगर बात नहीं रखेंगे मजबूती से, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारे माननीय राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। इस तरीके से अभी हरियाणा हम लोग हारे, झारखंड में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीट बंटवारा हुआ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो जो सीट हम लोग जीत सकते हैं, जैसे रांची हो गया, और भी सीट है, उस पर हम लोगों को अंधेरा में रखा जा रहा है। इस पर प्रदेश कांग्रेस को जवाब देना ही पड़ेगा कि उन्होंने जो भी हम लोगों का सम्मान का जो ठेस पहुंचाया है, उसका प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जवाब दें। आने वाले समय में अगर यही स्थिति बनी रही, रांची में, रांची से यहीं से कैंपेन चलता है, यहीं से पूरा माहौल बनता है पूरे प्रदेश में, हम लोगों ने संगठन प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा संगठन पूरे देश में बनाया, पूरे राज्य में बनाया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज लोग जवाब मांगते हैं, व्यापारी लोग जवाब मांगते हैं, वैश्य समाज के लोग जवाब मांगते हैं कि उनकी जो भी परेशानी है उनका निजात कैसे होगा, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका प्रदेश नेतृत्व जवाब देगा। मैं यही कहना चाहूंगा प्रदेश नेतृत्व को, हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझको झोंकोगे तब तक कर सोना बनूंगा, मुझे कब तक रोकोगे? तो प्रदेश नेतृत्व को जवाब देना ही पड़ेगा कि इस परिस्थिति में लोग क्या करेंगे, कार्यकर्ता क्या करेंगे, क्योंकि यही परिस्थिति अगर बनी रहे, एक भी लोग कांग्रेस का झंडा ढोने के लिए रांची शहर में नहीं रहेगा। मैं तो राजद को मानता हूँ, तेजस्वी जी को मानता हूँ कि अपने लोगों के लिए वो आवाज़ उठाएं, लोगों के लिए लड़ें, लेकिन यहाँ पे